तो ठीक है, यहाँ पर मैं अब आप सभी को एक विशेष जानकारी देने वाला हूँ जो आप सभी के लिए लाभदायक सिद्ध होगी। तो ये जानकारी ट्रेनों के बारे में है। तो शिव भक्तों, यदि आप दिल्ली से आ रहे हैं या किसी भी स्थान से आ रहे हैं, आपकी ये मणिमहेश यात्रा चंबा से ही शुरू होती है। वैसे तो यात्रा घर से ही शुरू हो जाती है, किंतु जो मूल यात्रा है वो चंबा से शुरू होती है। जो चंबा एक छोटा सा पहाड़ी शहर है जो उत्तर भारत के हिमाचल राज्य में स्थित है, उस चंबा के छोटे से शहर से निकटतम रेलवे स्टेशन है पठानकोट। पठानकोट पहुंचने के लिए यूं तो बहुत सारी ट्रेनें हैं, किंतु हमें कौन सी ट्रेन पकड़नी है इस विषय में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। यूं तो आप कोई सी भी ट्रेन ले सकते हैं, किंतु जो ट्रेनें मैं आपको बताने वाला हूँ, यदि आप उन ट्रेनों को चुनते हैं तो उससे आपका समय नष्ट नहीं होगा, कम से कम समय नष्ट होगा, आपको अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी होगी। तो मान लेते हैं कि आप नई दिल्ली से आ रहे हैं चंबा। चंबा का निकटतम रेलवे स्टेशन है पठानकोट। तो आप क्या करेंगे, IRCTC की वेबसाइट में जाएं, वहाँ पर फ्रॉम स्टेशन में आप NDLS ये यदि आप टाइप करते हैं तो आपके सामने आएगा नई दिल्ली, और टू स्टेशन में आप डालेंगे PTK। देखिए, पठानकोट के में दो स्टेशन हैं, एक है पठानकोट और दूसरा है पठानकोट कैंट। तो हमें पठानकोट नहीं जाना है। वैसे तो हम पठानकोट भी जा सकते हैं, किंतु वहाँ पर पहुँचने वाली ट्रेनें आपको उस समय पर नहीं पहुँचाएंगी जिस समय पर आप पहुँचना चाहते हैं। तो आप चुनेंगे पठानकोट कैंट, और जिस तिथि में आप पठानकोट आना चाहते हैं। इस बारी मैं 22 अगस्त को आऊँगा, तो मैंने यहाँ पर 22 चुन ली है, 22 अगस्त 2017। तो मान लेते हैं कि आप भी 22 अगस्त को दिल्ली से चलेंगे, और यहाँ पर हम कर देंगे सबमिट। तो देखिए, अब हमारे सामने एक लिस्ट है, यहाँ पर कई ट्रेनें दिखा रहा है। सबसे ऊपर यदि हम देखें तो ये कह रहा है ट्रेन बिटवीन स्टेशंस। सबसे ऊपर ये वो ट्रेनें हैं जो 22 तारीख को हमें नई दिल्ली या पुरानी दिल्ली या दिल्ली सफदरजंग। यहाँ पर मैं समझा देता हूँ, NDLS का अर्थ है नई दिल्ली, DSJ दिल्ली सफदरजंग, DLI पुरानी दिल्ली, और DEC दिल्ली कैंट। तो ये ऊपर वो ट्रेनें हैं जो 22 को चलेंगी, या फिर वो ट्रेनें जो रोज चलती हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ नीचे यदि हम देखें तो ये दिखा रहा है ट्रेन रन्स ऑन अदर डेज, अर्थात ये वो ट्रेनें हैं जो 22 को नहीं चलेंगी, या तो वो ट्रेनें हैं जो कुछ दिन के अंतराल पर चलती हैं, ये रोज चलने वाली ट्रेनें नहीं हैं। तो अब इस लिस्ट में से हमें कौन सी ट्रेन चुननी है। मान लीजिए हम 22 को निकल रहे हैं दिल्ली से, तो हमें कोई भी ट्रेन अगर हम पकड़ें तो वो अगले दिन ही हमें पठानकोट पहुंचाएगी, किंतु हमें कौन सी ट्रेन चुननी है उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं। पठानकोट कैंट से 4:30 बजे सुबह जो पहली बस आपको चंबा के लिए मिलेगी, ये HRTC की दिल्ली चंबा बस है, ये 4:30 बजे पठानकोट से चलती है। तो हमें ऐसी ट्रेन चाहिए जो हमें 4 बजे से पहले ही पठानकोट कैंट पहुंचा दे, क्योंकि पठानकोट कैंट रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड तक लगभग 15 से 20 मिनट का समय लगता है। तो हमें चाहिए कि कोई भी ऐसी ट्रेन जो हमें 3:30 बजे तक पठानकोट पहुंचा दे। तो इनमें से कुछ विशेष ट्रेनें हैं जो मैं आपको बता देता हूं, आपको चुननी चाहिए। यहाँ लिस्ट में हमारे पास आ रही है पहली ट्रेन अंडमान एक्सप्रेस, स्वराज एक्सप्रेस, मालवा एक्सप्रेस, शालीमार एक्सप्रेस, जम्मू मेल, जम्मू राजधानी इत्यादि, और कुछ अन्य ट्रेनें भी हैं। किंतु जो ट्रेन हमें चुननी है, सबसे जो उत्तम ट्रेन रहती है वो है शालीमार एक्सप्रेस। इस ट्रेन का सफ़र थोड़ा सा लंबा है, क्योंकि इसके जो स्टॉप हैं कुछ ज़्यादा हैं, और ये मेरठ के रास्ते आती है, ये मेरठ सहारनपुर होते हुए आती है पठानकोट कैंट। और बाकी जो ट्रेनें हैं वो आपको मेरठ के रास्ते के बजाय आपको शॉर्ट रास्ते से ले जाती हैं, और वो ये सुपर फास्ट भी हैं। शालीमार एक्सप्रेस का सफ़र थोड़ा लंबा है, किंतु ये आपको ऐसे समय पर पहुंचाएगी कि आपको अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती,
और इस ट्रेन में लगभग रोज आपको सीट मिल जाती है। वो बात अलग है कि यदि आप अंत में प्रयास कर रहे हैं तो सीट ना मिले। तो पहली ट्रेन यह है शालीमार एक्सप्रेस, यह चलती है पुरानी दिल्ली से। 3:50 पर यह ट्रेन चलती है और आपको सुबह 3:05 पर पठानकोट कैंट पहुंचा देती है। यदि यह ट्रेन लेट हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 3:30 तक आपको ये पठानकोट कैंट पहुंचा ही देगी। उसके बाद दूसरी ट्रेन है जम्मू राजधानी या फिर राजधानी एक्सप्रेस। इसका केवल एक ही स्टॉप है, नई दिल्ली से यह 8:40 चलती है और उसके बाद इसका एक ही स्टॉप है लुधियाना जंक्शन, और 3:35 पर यह आपको पठानकोट कैंट पहुंचा देती है। इसका टिकट थोड़ा सा महंगा है किंतु यह ट्रेन समय कम लेती है। उसके बाद तीसरी ट्रेन है स्वराज एक्सप्रेस, ये 4:50 चलती है नई दिल्ली से और आपको 12:35 पर पठानकोट कैंट पहुंचा देगी। तो इसके बाद आपके पास सीधे सीधे 4 घंटे रहते हैं बस पकड़ने के लिए। और अंतिम ट्रेन जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है श्री शक्ति एक्सप्रेस, यह भी एक सुपर फास्ट ट्रेन है। ये 5:30 पर नई दिल्ली से चलती है और 1 बजे आपको पठानकोट कैंट पहुंचा देती है। तो सीधे सीधे आपके पास 3.5 घंटे का समय है। तो यह है कुछ ट्रेनें हैं जो आप चुन सकते हैं। इसके अतिरिक्त और भी ट्रेनें हैं जो आप चुन सकते हैं किंतु यह ट्रेनें आपको ऐसे समय पर पहुंचाएंगी कि आप चंबा के लिए पहली बस नहीं पकड़ पाएंगे, और आप जब भी कोई पहली बस के अतिरिक्त कोई अन्य बस पकड़ते हैं तो आप चंबा लगभग दोपहर तक ही पहुंच पाएंगे। किंतु यदि आप 4:30 वाली बस पकड़ लेते हैं तो आप लगा लीजिए लगभग 7 घंटे का सफ़र है पठानकोट से चंबा का। ये 135 किलोमीटर का सफ़र है तो लगभग जिसमें 6 से 7 घंटे लगते ही हैं। किंतु यदि आप अब देखिए टिकट बुक कर रहे हैं तो कम से कम 2 महीने पहले प्रयास करें। जैसा कि यदि हम आज से देखें तो 2 महीने शेष रह चुके हैं, तो 2 महीने पहले प्रयास करेंगे तो आपको अपनी मनचाही सीट मिल ही जानी चाहिए। यदि ना मिले तो अंतिम विकल्प है तत्काल का। हाँ, टिकट थोड़ा सा महंगा अवश्य होता है। तो मेरी इस दी गई जानकारी के अनुसार आप अपना निर्णय लें और अपनी इच्छा अनुसार कोई ट्रेन बुक करें और अपना कम से कम समय व्यर्थ करने की कोशिश करें और अधिक से अधिक समय शिव भक्ति को दें। धन्यवाद।